हार्दिक बधाई है पुनः आप सबको। राजा दशरथ तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, पुत्रेश्री यज्ञ करना पड़ा, प्रभु अवतरित हुए। आपको याद होगा राजा दशरथ पूर्व जन्म के मनु महाराज और माता कुशल्या शत्रुपा बड़ी घोर तपस्या करी इन दोनों ने, और तपस्या करने के उपरांत भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया कि आप हमारी कोख में आओगे, पुत्र रूप में आप हमारे घर जन्म लोगे, अवतरित होगे। वे अपना वरदान भगवान ने पूर्ण किया है, बड़े हो गए हैं प्रभु, बड़ा हर्षो उल्लास मनाया गया है, बहुत खुशियां, मानो निराशा जिंदगी भर की आशा में परिवर्तित हो गई, तो खुशियां क्यों ना हो। हर्षो उल्लास मनाया जा रहा है, सारा अवध खुशियां मना रहा है प्रभु के अवतरित होने पर। चार पुत्र पैदा हुए हैं, बड़े हो गए हैं, महर्षि विशिष्ट से विद्या इत्यादि ग्रहण करी है, पारंगत हो गए हैं। प्रभु राम के लिए हर पंक्ति में कोई ना कोई प्रशंसा का शब्द आता है, थोड़े में बहुत समझ जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, भूलते नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि ये सब कुछ आपने पढ़ा है। और बड़े हो गए राजा दशरथ, उनके विवाह की सोचने लग गए, युवक हो गए हैं इसलिए इनका विवाह होना चाहिए। अभी चर्चा चल ही रही है तो महर्षि विश्वामित्र का आगमन हो गया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जब कोई बड़ी बात होनी हो तो परमेश्वर उसी ढंग से सारे संबंध बना देता है। अभी इनके मन में बात ही थी कि इनका विवाह होना चाहिए, तो संबंध जो आगे परमात्मा ने बनाए हुए हैं उसका शुभ आरंभ हो गया, महर्षि विश्वामित्र का आगमन हो गया। वे सिद्ध आश्रम में यज्ञ कर रहे हैं अनेकों वर्षों से, पर कभी संपन्न नहीं हो रहा। प्रार्थना करते हैं, महाराज मुझे राम को दे दीजिएगा यज्ञ संपन्नता के लिए। राजा दशरथ के जीवन में यह पहला अवसर आया है पुत्र जन्म के बाद कि उन्हें वियोग होने वाला है, असहनीय। कैसे राम भक्त हो गए हुए हैं राजा दशरथ, पुत्र भक्त कहिएगा, उन्होंने अपने जीवन में प्रभु राम को प्रभु नहीं माना, ये मेरे पुत्र हैं। स्वर्ग से भी जब आए हैं तो इंद्र देवता को यही कह के आए हैं कि मेरे पुत्र ने इतना बड़ा काम कर दिया। वह तब तक भी स्वर्ग में जाने के बाद भी प्रभु राम को प्रभु राम नहीं स्वीकारते, पुत्र भक्त हैं राजा दशरथ। मांगा ही यही था, प्रभु को मांगा ही नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। तो प्रभु ने कहा, मैं अपने जैसा कहां से लाऊंगा, मैं स्वयं ही आऊंगा। तो पुत्र पैदा हुए, पुत्र भक्त हैं राजा दशरथ। बेचारे व्याकुल हो गए ये सुन के कि पुत्र बिछो होने वाला है, ये कैसे मैं सहन करूंगा। पर होना था, परमेश्वर ने जो रच रखा होता है, रचने वाले पास ही बैठे हुए हैं, कहीं दूर नहीं है, ये साथ ही साथ सब कुछ करवाते जा रहे हैं। जो आगे रचा हुआ है वह भी तो पूर्ण होना ही है। भगवान की दृष्टि से ना देखिएगा प्रभु को, आइए साधक की दृष्टि से देखते हैं। यूं कहिएगा, एक साधक की प्रथम साधना आरंभ हो गई है। पहली बार वह घर से निकले, लक्ष्मण उनके साथ होते हैं, लक्ष्मण तो उनकी छाया है, वे तो साथ रहेंगे ही रहेंगे, कहीं भी चले जाएं। कहते हैं कुछ समय जो मूर्छित रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज, उस समय को छोड़ के राम लक्ष्मण कभी आपस में बिछड़े नहीं, इतना स्नेह है इनका आपस में, कुछ भी है कैसे भी हैं, राम कैसे हैं लक्ष्मण कैसे हैं, पर कभी दोनों में बिछो नहीं हुआ। साथ चले गए हैं महर्षि विश्वामित्र के, तो उनकी साधना आरंभ होती है। साधक जनों जब साधना करने के लिए व्यक्ति निकलता है तो सबसे पहले उसके मार्ग में ताड़का आती है, और ताड़का को
एक ही बाण से प्रभु मार देते हैं। वर्णन तो आता है, युद्ध तो बहुत होता है, पर एक ही बाण से प्रभु मार देते हैं। मानो पहले उसकी चाल वाल सब कुछ हजारों हाथियों का बल था ताड़का में। सुबाहु और मारीच इसी के पुत्र, इसको मारना इतना आसान नहीं था, और प्रभु ने एक ही बार में मार के तो उसे अपना धाम दे दिया है। आप यूं कहिए, मारा है या तारा है, दोनों ही चीजें हैं। मार के उसे तार दिया है, उसे अपना धाम अपने में प्रवेश पा लिया है, अपने अंदर ले लिया है, उसे अपना धाम प्रदान कर दिया है। ये ताड़का क्या है? ज्ञान कहता है ये ताड़का अविद्या है, पर जब तक ये अविद्या हमारे जीवन से जाती नहीं है तो अपने घर का पता नहीं चलता। साधक ये भी अपने घर ही जा रहे हैं। सीता माता जिसे शांति कहा जाता है, जिसे परम शांति, जिसे परम धाम कहा जाता है, ये भी वहीं पहुंच रहे हैं, पर अभी मिलने में बहुत समय बाकी है। ताड़का को मारना है, सुबाहु को मारना है, मरीच को कहीं दूर फेंकना है, उसे मारा नहीं। क्यों? अभी उससे और काम लेना है प्रभु ने, अभी उसके लिए और कुछ रच रखा है। मार सकते थे उसे भी, जब सुबाहु को मार सकते हैं, ताड़का को मार सकते हैं, तो मारीच को मारने को कौन सी कठिनाई थी। मारा नहीं, दूर समुद्र किनारे फेंक दिया रामाकार वृत्ति करके। उसे राम की शक्ल भूलती नहीं है, मारीच भक्त बन गया है। उसकी सारी की सारी वृत्तियां अब विषयाकार नहीं है, हिंसात्मक वृत्तियां नहीं है, उसकी बदल गई हैं। राम के दर्शन होते ही वह सब कुछ बदल गया है उसका, और समुद्र के किनारे बैठ के तपस्वी बन गया हुआ है वह। उसे ऋषभ से राम याद आते, राम का स्वरूप याद आता है, राम का नाम याद आता है, मानो वह राम नाम जपने लग गया हुआ है, और उसकी सारी की सारी वृत्तियां रामाकार हो गई हुई हैं। उससे भी काम लेना है, इसलिए उसे मारा नहीं, दूर फेंक दिया है, तुझे फिर मिलेंगे, अभी तू जा। सुबाहु को मार दिया है, ताड़का को मार दिया है। मारने के बाद सिद्धाश्रम पहुंचे हैं प्रभु, सिद्धाश्रम में ही मारा है। ताड़का को मारने के बाद मरीच को दूर फेंक दिया है, सुबाहु को वही मार दिया है। यात्रा आगे आरंभ होती है।